क्या बना दिए? बोलिए बाबा, हाथ साथ में लाए कि किचन में छोड़ कर आए? जितने लोग हाथ साथ में लाए जरा हाथ उठाइए। अब कुछ लोग किचन में छोड़ कर आए, तो थोड़ा सा वाहवा करना होगा आपको। ओके, आप बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो बोलिए वाहवा। थोड़ा और वाहवा। तेरे रहमो करम ने ऐ मसीह मुझे क्या से क्या बना दिया, तेरे रहमो करम ने ऐ मसीह मुझे क्या से क्या बना दिया। मैंने मांगा था एक छोटा सा घर, पर तूने सारा जहां मेरे हाथ कर दिया। पहली बार क्या बोलना है और दूसरी बार जावा? पहली बार शायरी बोलना, सॉरी वाहवा बोलना है, फिर सेकंड टाइम जब शायरी खत्म होती है तो ताली बजाना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बेंगलुरु में शायरी पे शायरी बोलते जा रहा था और एक सामने बंदा था, बोला क्या शायरी बोला, क्या शायरी बोला। फिर 10 मिनट के बाद बोलता था उसका मतलब क्या था। मेरे साथ ऐसे बहुत हादसे होते हैं, नया नया शायर मैं लिखना बना था या लिखने की कोशिश कर रहा था, तो हम मुंबई में रहते हैं कोलाबा में, तो चर्चगढ़ से अंधेरी जा रहा था तो सामने एक भाई साहब मिले, तो हमको आदत है थोड़ा क्या बोलते हैं शायरी या गाने के बहाने प्रभु का सुसमाचार सुनाने का। तो सामने एक भाई साहब बैठे थे, उनको बोला मैं शायर हूँ, तो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, तो मैं सोचा ये उत्साहित है, चलो 2-4 शायरी सुना देते हैं। तो ऐसे करते जितनी बार शायरी बोलता था मेरी ओर देख कर मुस्कुराते थे, तो 10-15 शायरी मैंने सुना दिया। लास्ट में बोला भाई साहब मेरी शायरी आपको कैसी लगी, तो बाजू वाले ने बोला ये बहरा है। प्रभु के लोग है, हमें प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 11:16 में लिखा है कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है, और ये भी लिखा है कि प्रभु का आनंद मेरे ताकत। इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, एक दिन की खुशी मिलती है, उसके बाद गायब। हालेलुया। लेकिन प्रभु की खुशी अनंत काल की खुशी है जो कभी खत्म नहीं होती। आमीन। और 2-3 शायरी बोलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारी दुनिया दवा से जीती है, हम खुदा के बंदे सिर्फ दुआ से जीते हैं। करोड़ों की बात फुकट में बोला था, सिर्फ ताली नहीं बजा। शायरी बोलना चाहूँगा, मेरे पास 1 घंटा है, तो थोड़ा 1 से 5वें गियर में, 4थे गियर में जाकर मुझे बोलना पड़ेगा। ओके, ठीक है। छोटी सी गवाही बता देता हूँ इसके दरमियान, ताकि जिसको ऐसा कोई हो तो प्रभु से आशीष देगा। आज से 17 साल पहले मेरा पहली बार शादी हुई थी, वो आखिरी बार, उसके बाद नौबत नहीं है, और आगे भी प्रभु जब तक नहीं आता नहीं आएगी। ओके, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, प्रभु में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि प्रभु ने दिया है। आमीन। तो कुछ महीनों के बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको कभी बच्चा नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा तू कौन होता है डॉक्टर साहब मेरा फ्यूचर बताने वाला? मेरा फ्यूचर तो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही लिख दिया है। आमीन। और ऐसा हुआ कि विश्वास से हमने बच्चे का नाम रख दिया, ईमेल आईडी बना ली उसका, उसका नाम से बैंक में अकाउंट खोल दिया, कुछ पैसा डाल दिया, और यहाँ तक कि मैं सबको बोलता था कि प्रभु मुझे लड़का देने वाला है, लड़का देने वाला है, मुझे मतलब मेरी बीवी को, बहुत ही खूबसूरत। और एक दिन प्रभु ने मुझसे पूछा आपको कैसा लड़का चाहिए? मैंने बोला प्रभु तो 500 करोड़ का सवाल कर रहा है। तो मैंने एक दिन जो बच्चों का जो पोस्टर्स होता है उस शॉप में जाकर मैंने बहुत ही खूबसूरत एक बच्चे का फोटो लाया, और मिरर के यहाँ पे कबाड़ के मिरर क्या बोलते हैं कबाड़
यहाँ पे आईना देखते हो कबर, हाँ वहां पे लिखा दिया। नहीं आप लोग इतने खूबसूरत लोग हैं, खुशी के बारे में भूल गया ना। वहां पे लिख दिया और उसके नीचे जो है मैंने बेटे का नाम लिख दिया। मैं बोला प्रभु ऐसा ही लड़का चाहिए, इसलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र नीति वचन 18:21 में लिखा है तुम्हारे जिन तुम्हारे जुबान में जिंदगी और मौत का सामर्थ है। हम जो बोलते हैं वही खुदा हमारे साथ खड़ा है। और आपको एक चाबी देना चाहता हूं आशीष पाने का और अपने जिंदगी में नामुमकिन को मुमकिन करने का। वो चाबी ये है, हमारे बाप ने यानी परमेश्वर ने अपने शब्दों से उसने अपनी एक दुनिया बनाई थी। वही अभिषेक, वही डीएनए, वही पावर, वही वचन का सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर है। अगर बाप ने शब्दों से अपनी दुनिया बनाई थी, उसी शब्द के सामर्थ्य से हम भी अपनी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। मैंने 10 पॉइंट लिखे, लड़का गोरा होना चाहिए, उसके बाल प्लेन होने चाहिए। 17 साल हो गए, मेरी बीवी ने कभी हाथ नहीं डाला बालों में, एक बार डाली थी आधा नट्ठा लगा निकालने के लिए, तो उस दिन से जाने दो टाइम नहीं है। तो ऐसे 10-12 पॉइंट मैंने लिखे और जो जो मैंने प्रार्थना किया था और मांगा था प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। 2006 8:00 दो मार्च था वो, और थर्सडे का दिन था, बच्चे का जन्म हुआ और नर्स ने बच्चे को कपड़े में लपेट कर लाकर मुझे पूछा आपको पता है कि ये लड़का है कि लड़की है मेरे गोद में। तो मैंने नर्स को कहा मुझे मालूम है वो लड़का है। वो औरत बोली, नर्स आपको कैसे मालूम पड़ा लड़का है? मर्यादित थी वो, आपको कैसे मालूम पड़ा लड़का है? मैंने बोला ओ ताई, ताई मतलब सिस्टर, हमको खुदा ने ऐसी आंख दी है हम फ्यूचर को प्रेजेंट में देख रहे हैं। आप लोग ताली नहीं बजा रहे, तेरा थोबड़ा पसंद नहीं है? मेरे थोबड़े में क्या रखा है? चवन को देखने से चवनी भी नहीं मिलने वाली है। यीशु को देखना भैया, यीशु के लिए ताली बजाना, यीशु बहुत कुछ है। हालेलुया। कौन बोले? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका हालेलुया ऊपर रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसा हुआ कि आगे हम फरमाएंगे, प्रभु से हमने लड़का मांगा, लड़का ही दिया। आज वो 13 साल का है, गाना गाता है, कीबोर्ड बजाता है, प्रचार करता है। अपने स्कूल में लगभग 4,000-5,000 स्टूडेंट से उसके ऊपर उसको कैप्टन बना रखा है। और इतना नहीं 85-90% 92% लाता है। इसलिए हम प्रार्थना किए थे प्रभु, क्योंकि मैं स्कूल में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, 365 दिन आउट एंड स्टैंडिंग। तो मेरा बेटा ऊपर से फर्स्ट आता है, मैं नीचे से फर्स्ट आता हूँ। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लड़के को 90-95-92% लाने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। शायरी बोलो, पक्का बोलो, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। दुआ करने वाला मुंबई रायपुर तो क्या सारी दुनिया को दिला। किसी ने बोला भाई अजय चौहान आप कितना अच्छा बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने मेरा जवाब इस तरह था, जुबान मेरी नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है। गुमशुदा यानी गायब हो जाना। जुबान मेरी नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है, मैं तो सिर्फ बहुत हिलाता हूँ, बोलता मेरा खुदा। कितने लोग हर संडे प्रार्थना में जाते हैं, झूठ नहीं बोलना। कितने लोग जाते हैं झूठ बोले कुत्ता काटे, कौवा काटने से कुछ नहीं होने। रफ्तार रफ्तार मेरी जिंदगी की रफ्तार बढ़ने लगी। कुछ लोग बात है
इंडिया को कितना भी सुधारो सुधरते नहीं है। वाह ये कहां से, मैं तो ऐसा बोला था। वाह रफ्ता रफ्ता मेरी जिंदगी की रफ्तार बढ़ने लगी, जब हफ्ता हफ्ता खुदा के घर में आकर मेरी निगाहें खुदा का दीदार करने लगे। और कितने लोग चाहते हैं मैं शायरी बोलो, पक्का बोलो, सुनना चाहेंगे? चलो आखिरी बार आपके लिए बोल देता हूँ। मुखदर को इख्तियार से तबस्सुम को क्या लेना वावा, तबस्सुम को इख्तियार से, मुखदर को इख्तियार से तबस्सुम को क्या लेना, इसका मतलब समझ में आया तो मेरे को भी समझा दे। कितने ध्यान से सुन रहे हैं, कितना अच्छा उर्दू बोल रहे हैं, ये ऐसा उर्दू मेरे ससुर को भी नहीं मालूम। कुछ लोग है ना, बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं, कुछ लोग ज्यादा प्यार करते हैं। चर्च में आके क्या हंसाता है, चर्च तो होली प्लेस है, ज्यादा अगर हो नहीं रहा तो पीछे से प्रभु होली दे दिया, होली मैं हूं तू ज्यादा होली नहीं रहने का। आई मीन टू से अगर पौलुस जेल में रहकर बाहर वालों को कह सकता है आनंदित रहना, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहना। तो जेल में रहने वाला अगर बाहर वालों को कह रहा है, अगर जेल में वाला अगर इतना आनंदित है तो बाहर वालों को कितना आनंदित रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल ये भी कहती है मन की हंसी, हंसी जो है ना हमारी हंसी, वो मन की सबसे अच्छी दवा है। हम प्रभु हमको हंसी भी दिया खुशी भी दिया। कुछ लोग गार्डन में जाके फुकट में हंसते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग जब झूठा हंसी हंस सकते मन की दवा के लिए, तुमने यार हमको आनंदित किया है अनंत काल का उद्धार देकर, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमको कितना आनंदित होना चाहिए। लेकिन चर्च के लोग यस कमा बजाइए, बिंदास बोलता हूँ। किसी ने मेरे को बोला डरते नहीं क्या बिंदास बोलते, मैं बोला मैं नहीं डरता हूँ क्योंकि सारी दुनिया मेरे बाप से डरती है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। अभी टाइम मिलेगा तो डबल मीनिंग का रहता है, तुम्हारा मन भी दिमाग भी भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन पड़ेगा तो बाहर का वायरस कभी अंदर नहीं आएगा, अंदर का वायरस पूरा नहीं कर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है।